नमस्कार दोस्तों। दोस्तों खबर कोरोना वायरस के नए लहर से जुड़ा हुआ है जो बेहद चिंताजनक भी है। दरअसल एक्सपर्ट ने कोरोना वायरस की नई लहर को लेकर लोगों को सतर्क किया है। बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान देश में 796 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना संक्रमित हुए लोगों की संख्या 4,46,93,506 हो गई है। कोरोना वायरस की नई लहर को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट बेहद संक्रमणशील है जो लोगों के बीच बहुत तेजी से फैल सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी में कोरोना वायरस संक्रमण के एक एक पेशेंट की मौत हो चुकी है। ऐसे में नए मामलों का तेजी से बढ़ना चिंताजनक है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 को पार कर चुकी है और फिलहाल सभी संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के पीछे इसके सब वेरिएंट XBB.1.16 और XBB.1.15 के होने का संभावना जताया गया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने को कहा गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि XBB.1.16 कोरोना के वेरिएंट XBB का सब वेरिएंट है, जिसका सीधा असर इम्यूनिटी पर पड़ता है। इससे गले में खराश, सर्दी, जुकाम, दर्द और बुखार जैसे लक्षण सामने आए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने थकान, सिरदर्द, नाक बहने, मांसपेशी में दर्द की शिकायत भी की है। नए वेरिएंट के कारण बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मामलों पर नजर रखने वाले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने बताया है कि भारत में सब वेरिएंट XBB.1.16 के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि बाकी देशों में भी केस मिले हैं, जिनमें अमेरिका में 15 जबकि सिंगापुर में 14 केस सामने आए हैं, लेकिन भारत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा 48 हो चुकी है। सब वेरिएंट XBB.1.16 के बारे में एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले ओमिक्रॉन दुनिया भर में फैला था, लेकिन अब सब वेरिएंट XBB.1.16 के कारण महामारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक सबसे कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है।